मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं हरियाणा, जहां पर होना है फैसला कि आखिर हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। साल 2023 की बात है, कुछ ऐसे ही मौसम में आपको बता दें कि तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मध्य प्रदेश आए थे और डॉक्टर मोहन यादव के नाम की पर्ची उन्होंने निकाली थी। लेकिन अब डॉक्टर मोहन यादव जो है वो हरियाणा पहुंचे हुए, उनके साथ में अमित शाह भी मौजूद है। विधायक दल का नेता चुनना है और ये नेता चुन लिया गया है। किसे चुना है डॉक्टर मोहन यादव ने, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि हरियाणा में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, नतीजे आए और बीजेपी को बंपर जीत हासिल हुई। बीजेपी ने कुल 48 विधानसभा सीटें जो है उसमें जीत दर्ज की, जिसके बाद से मध्य प्रदेश की तरह ही कयास लगने लगे कि आखिर हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री या यूं कहें कि बीजेपी के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक के रूप में जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चुना गया था और दोनों अपनी जिम्मेदारी का वहन करने के लिए हरियाणा पहुंचे, जहां पर एक लंबी बैठक के बाद हरियाणा में बीजेपी ने अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है। आपको बता दें कि सीएम पद के चेहरे पर होने वाले फैसले के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरियाणा पहुंचे। इस मीटिंग में हरियाणा के सभी 48 विधायक भी शामिल हुए। वहीं जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक मीटिंग के दौरान अनिल विज ने खुद सीएम पद के लिए नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। वहीं आपको बता दें कि विधायक दल की हुई इस बैठक में नायब सैनी को अपना विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, यानी कि नायब सैनी जो हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। दर्शकों को बता दें ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी मनोहर लाल खट्टर और दूसरे कई नेता जो हैं वो पहुंचे हुए थे और विधायक दल का नेता इस तरीके से चुना गया था और डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और अब नायब सैनी जो हैं वो हरियाणा के एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। रिपोर्ट पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के बने रहिए एमपी तक के साथ।